आपने इमरान प्रतापगढ़ी को संसद में बोलते हुए सुने तब उसे यकीन होगा कि लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब क्या है। अब सिर्फ चार मिसरे पढ़ के आज के हालात को आईना दिखाता हूँ और उसके बाद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को आपके बीच माइक पर आने की दावत देता हूँ। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। दुनिया को फख्र है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फख्र है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है। क्रिकेट के लोगों को फख्र है कि उनके पास विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर है। हमें इस बात पर नाज है कि हमारी शायरों की इस दौर में नुमाइंदगी करने वाला एक ऐसा नुमाइंदा जो ऐबानी सियासत में बैठकर आवाज उठाने का आदी है, हमारी आवाज उठाने के लिए आमादा है, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी हम हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमें इस बात का यकीन है। अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, क्या परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर, तालियों की गूंज में इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, चूंकि पार्लियामेंट चल रही थी और आज पार्लियामेंट देर तक चली, उसके बाद सीधे वहाँ से एयरपोर्ट आया तो फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और फिर यहाँ आते आते लखनऊ से काफ़ी दूरी थी, लेकिन आखिरकार आपके बीच में हाजिरी हुई। कमेटी को बहुत मुबारकबाद दूंगा और मैं मुबारकबाद दूंगा मोहतरम कुंवर मुश्ताक साहब को, सैम खान साहब को, फैसल मतीन साहब को, मोहसिन मतीन साहब का, और शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्त अपने भाई आरिफ खान साहब को जिन्होंने पकड़ के बुलाया। मतलब आज मैं कहीं से भी आने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन आरिफ भाई की तरह और उन्होंने जिद करके हुक्म दिया कि आना ही पड़ेगा। तनुज सुनिया साहब यहाँ बैठे हुए, सैफ इकबाल, बाकी सारे साथी, बाराबंकी से पुराना रिश्ता है और बहुत दिन बाद आज मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत दिन बाद एकदम जमीनी जो मुशायरे हैं उसमें शिरकत हो रही है। वही पुराना सा माइक गुड्डू भाई वाला तो वो दिखाई पड़ रहा है, और अगर किसी माइक पे वसीम रामपुरी साहब पढ़ने से पानी मांगने लगे तो समझ लीजिए कि वो माइक बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे में कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं, थोड़ी आपको शायरी सुनाऊं। यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, डाइस पे जो हमारे पुराने शायर दोस्त हैं सबकी मौजूदगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर आपसे जुड़ने की, आप सबकी दुआएं मिले। नदीम भाई बहुत खूबसूरत निजाम आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और नदीम भाई ने बताया कि 25 साल पुराना रिश्ता है। मेरी उम्र कुल मिला के 35 साल है, 21 साल का हुआ था तो मुशायरों में आया था, तो कुल मिला के 12-13 साल का पुराना रिश्ता है। लेकिन ये भी उम्र बहुत होते हैं, 14 साल में तो बनवास काट करके पुरुषोत्तम राम जी वापस लौट आए थे, तो लगभग वैसा ही रिश्ता है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, जो कुछ चल रहा है हम जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ। मुंसिफों से कहां भला होगा। वाह, इधर जो आगे बैठे हैं दोस्त वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे।
तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, जो सोफे पे बैठे हैं अगली सफों में वो भी थोड़ा शिरकत करें। इधर जो लोग खड़े हैं थोड़ी देर, मैंने कहा ना मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ और सुबह यहाँ से फिर भागूंगा, तो कल शाम 5 मतलब आज ही, आज की शाम 5 बजे मुझे केरल में रहना है, तो बहुत लंबा सफर है। आप दुआ देके भेजेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा आना जो है वो सफल रहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, मुंसिफों से कहां से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। यहाँ बहुत दिन बाद अमन से मुलाकात हुई, प्यारे छोटे साथी, ये हमारे बिस्वा में, सीतापुर में, एकादर मुशारे में मुलाकात हुई। नैयर साहब यहाँ बैठे हैं, तमाम पुराने लोग। मैं आरिफ का इस बात के लिए खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि आज जो जमीन से जुड़े हुए मुशारे, जहां से हम जैसे लोग पैदा हुए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, हमारे पहुंचने में आप जैसे बुनियादी लोगों का हाथ है, आपकी दुआएं शामिल हैं, तब जाकर के आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी दुआ के भरोसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। ये आपकी दुआओं के वजह से हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपसे जुड़ने की। मैं खाक बसर नामियों मशहूर भी न था, मैं खाक बसर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी था। मैं खाक बसर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, उसने वाह 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 बुझने नहीं दिया, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, वतो इज्जो मंतशा
मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, कश्ती भवन में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी, लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, वतो वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो शायरी के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है, लेकिन मैंने कोशिश की, आते हुए फ्लाइट में एक नज्म हुई वो आपको सुनाता हूँ। आज का जो वक्त है, आज जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमारी आंखें जो मंजर देख रही हैं, उस सब के बीच में जो हमारी नई नस्लें यहाँ बैठी हैं, उनके नाम मैं एक नज्म करता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। थोड़ी मुश्किल सही वक्त का दिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त का दिल सही, बीच मझधार है दूर साहिल सही, वक्त मुश्किल सही वक्त का दिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसवाले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसवाले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, के जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। इधर जो बाईं तरफ साथी हैं उनके भी दुआएं मिले, पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी भी दुआएं मिले। मैं पहली बार इस नज्म को पढ़ रहा हूं, आप हौसला देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। के जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हम
ऊसा को पलते हुए जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा किस बात का वा, 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 है खुदा भी तो है। वा, वा, वा। और मेरे हम उम्र साथियों मेरी नई नस्लों के चंद लम्हों में क्यों इतने बेहाल हो। चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है। मेरी नई नस्लों के चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है। तेरी तारीख तो 1400 साल है। तेरी तारीख तो 1400 साल है। मुस्कुराते हुए लब पे कलमे को रखा। मुस्कुराते हुए लब पे कलमे को रख। सामने ये समझ ले के दज्जाल है। सामने ये समझ ले के दज्जाल है। गर मरज है कोई तो दवा भी तो है। गर मरज है कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस लग का। एक दिन ये नजारा बदल जाएगा। अपनी किस्मत का धारा बदल जाएगा। आसमां सर पे होगा नया हर तरफ। आसमां सर पे होगा नया हर तरफ। देखना हर सितारा बदल जाएगा। देखना हर सितारा बदल जाएगा। उनका उम्मत से ये वायदा भी तो है। उनका उम्मत से ये वायदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से सुना आपने। लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नस का। दुधुन है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। दुधुन है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहात पे उतर आया है। लश्करे फील जहात पे उतर आया है। ऐ खुदा
से अबाबीलों को कंकर दे दे, क्या कहना? बुधू है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पयंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पयंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को तंग कर दे। कौन कहता है के नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सारा मजमा मिलके एक बार आमीन तो कहते भाई, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सुना। मैं इस नज़्म पे चाह भी नहीं रहा था कि आपको ताली बजाएं, बस मैं चाहता हूँ इस नज़्म पे आपकी दुआएं उन तमाम मासूम बच्चों तक जाएं, उन तमाम शहीदों तक जाएं जिन्होंने अपने वतन को, अपनी मिट्टी को बचाते हुए अपनी कुर्बानियां दी हैं, और आपने उसके लिए दुआ की, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हाँ लाल किला भी सुनाऊंगा और भी कुछ नज़्में सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा कुछ नया भी सुनाता चलूंगा। मेरे जमीर का मुझ पर कोई उधार नहीं, एक नई गजल के मतलब दो तीन शेर सुने आप लोग। मेरे जमीर का, मैं शुरू में आया था तो मुझे लग रहा था कि माइक बहुत बुरा है, पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन गुड्डू भाई मैं तारीफ कर रहा हूँ कि माइक आपका बहुत अच्छा है। बस अगली बार कोशिश करिएगा कि इसका स्टैंड थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि आपकी दुआओं ने वो ताकत दे दी है कि अब झुकते कहीं नहीं है, तो यहाँ भी झुकना पड़ रहा है, वो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। नदीम भाई बहुत शानदार निजामत कर रहे हैं, नदीम भाई बहुत शानदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। वसीम के पीछे पड़े हुए हैं बहुत देर से, जैसे वो वसीम रामपुरी ना हो बल्कि वसीम रिजवी हो गया, वो ऐसे पीछे पड़े हुए हैं उसके। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सारे लोग। ये आरिफ साहब, तनुज भाई हमारे आदरणीय पीएल पुनिया जी के बेटे हैं और हमारे भाई हैं, वो नेक आदमी हैं। आरिफ बिजनेसमैन भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और बिजनेस करना आता है, इन्हें पता है कब कहां किसको कैसे पकड़ना है। तो इन्होंने इस मुशायरे में मुझे बुलाने के लिए मुझे कम पकड़ा, मेरे ऑफिस के शमीम साहब को पकड़ा, और शमीम साहब इतना परेशान करके मुझे बुला करके लाए, लेकिन यहाँ आपकी मौजूदगी देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत दिन से आपसे कट सा गया था, और आज इस मुशायरे में आके मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आप प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बस थोड़े कंजूस हैं ताली बजाने में, तो ये कंजूसी आपकी टूटेगी तो मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा कि जिंदा दिली के साथ आपको सुना सकूं। आप कंजूसी मत दिखाइए, आप आरिफ भाई और नदीम भाई की तरह मत हो जाइए। वो नदीम भाई लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो एक भिखारी उधर से दौड़ता हुआ आया, कपड़े वपड़े इन्होंने अच्छे पहन रखे थे, तो उसने सोचा कि हो सकता है कुछ निकल आए माल, तो उसने इनके सामने आकर के रोते हुए कहा साहब चार दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ दे दो कुछ दे दो। तो इन्होंने जेब से 500 का नोट निकाला, तो भिखारी को उम्मीद बन गई, उसको लगा कि ये नेक आदमी है कुछ ना कुछ दे देंगे। इन्होंने 500 की नोट निकाली, फिर उससे बोले 400 रुपए तुम्हारे पास चेंज है? तो भिखारी ने कहा हाँ है।
तो बोले जाओ उसी से कुछ खा लेना। फिर तो पलट के अपनी जेब में 500 रुपए रख लिए। ये है नदीम भाई, लेकिन आप बहुत नेक हैं, आप बहुत मोहब्बत वाले हैं, आप अच्छे से सुन रहे हैं। मैं एक मतलब रोदिन शेर पढ़ता हूँ कि मेरे जमीर का मुझ पर कोई उधार नहीं। वाह। मेरे जमीर का मुझ पर कोई उधार नहीं, मेरे जमीर का मुझ पर कोई उधार नहीं। मैं जख्म खा के तो लौटा हूँ शर्मसार नहीं, मैं जख्म खा के तो लौटा हूँ शर्मसार नहीं। मेरे जमीर का मुझ पर कोई उधार नहीं, मैं जख्म खा के तो लौटा हूँ शर्मसार नहीं। और पलट के अपने उसूलों से जो मिले मुझको, 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 मैं ऐसी जीत की खातिर तो बेकरार नहीं, मैं ऐसी जीत की खातिर तो बेकरार नहीं। और ये शेर पहुंचेगा वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारे राज में बाजार की हुकूमत है, तुम्हारे राज में बाजार की हुकूमत है। ये शेर मैं यही नहीं पढ़ रहा, मैं वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सामने उसकी आंख से आंख मिला करके 4 फीट की दूरी पर भी कह करके आया हूं कि तुम्हारे राज में बाजार की हुकूमत है, तुम्हारे राज में बाजार की हुकूमत है, तुम्हारा अपनी हुकूमत पे इख्तियार नहीं, तुम्हारा अपनी हुकूमत पे इख्तियार नहीं। और बिलारा वालों, बाराबंकी वालों, लखनऊ वालों, उत्तर प्रदेश वालों, अभी ये जंग बहुत दूर जाके ठहरेगी। वाह नदीम भाई, वहां का शेर कि अभी ये जंग बहुत दूर जाके ठहरेगी, अभी ये जंग बहुत दूर जाके ठहरेगी, ये जीत जीत नहीं है, ये हार हार नहीं, ये जीत जीत नहीं है, ये हार हार नहीं, तुम्हारा अपनी हुकूमत पे अख्तियार नहीं। मेरे जमीर का मुझ पर कोई उधार नहीं। बहुत शुक्रिया। के जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। उस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। हम बाहर निकले तो मीडिया का एक साथी ने मुझसे कहा, खान साहब क्या हुआ अंदर? तब ये नस्ल हुई। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया। अब यहां से वहां तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। और जो डाइस पे मेरे साथी बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि दांत देने की जिम्मेदारी, मुशायरे को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे बैठे लोगों की नहीं है। आप 4 फीट ऊपर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उनसे बेहतर हैं। सही बात। जिस तरह तराजू में 2 पल्ले होते हैं, झुका वही पल्ला रहता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं, ये
रात के 9 बजे से मुशायरे को मुशायरा बना रहे हैं, तो सबकी एक साथ सबकी शिरकत होगी तो ये मुशायरा और बेहतर बन सकेगा। इधर जो दोस्त खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ और ठंड है, मुझे पता है आप ठंड की वजह से जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, थोड़ा जेब से हाथ निकालिए, पैसे मत निकालिए, जेब से हाथ निकालिए, मुझे हाथ की जरूरत है। तनुज पुनिया को भी हाथ की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। मैं पढ़ता हूँ, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हो जब और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म उठा के निकले हैं, मुस्कुरा के निकले हैं। आपको किसी भी लम्हे ये अगर लगे कि वहां पहुंच करके इमरान बदल गया तो मुझे टोक देना। ये चार मिसरे फिर पढ़ दीजिए जी। मैं हाजिर करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पीछे से भी आप सबकी दुआएं, जब तक एक एक आदमी की दाद नहीं मिलेगी मैं इस नज़्म का पहला बंद नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ, जख्म पर जख्म उठा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वाह से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, झूठ के हाकिमों के चेहरे आईना हम दिखा के निकले हैं, आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। और अगले जो दो मिसरे, अगर मेरे वजूद के मिसरे हो तो मुझे एक भी हाथ खामोश नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए मेरी हिम्मत के लिए, मेरे समर्थन के लिए। मैं पढ़ता हूं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है,
पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं, झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। करते हैं इन अंधेरी सियाह रातों में, इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस बंद का साथ, ये खौफ है रंज है हताशा है, खौफ है रंज है हताशा है, ना उम्मीदी में थोड़ी आशा है, खौफ है रंज है हताशा है, ना उम्मीदी में थोड़ी आशा है। अरे राम कह रहा हूँ मैं, अरे राम कह रहा हूँ मैं, वो हुकूमत नहीं तमाशा है, तमाशा है, अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, एक बार आप ताली बजा करके मुझे अपनी नज़्म के लिए होश में बैठूं आऊं जाऊं का सिलसिला। इमरान भाई आप थोड़ा सा सांस ले लें, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात हो जाए। नहीं, बैठने के लिए कर रहे, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कई शायरों ने शेर जब सुनाया तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री जी से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ की शायरी पर टैक्स लगाया जा सकता है क्या? तो वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हाउस इजाजत दे, अगर हाउस यानी कि राज्यसभा एग्री हो तो क्यों नहीं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैंने उपराष्ट्रपति महोदय से कहा कि साहब गरीब शायरों पर टैक्स लगा करके क्यों आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, हम तो पहले से ही टैक्स ले रहे हैं, हर चीज में टैक्स ले रहे हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है और ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां पहुंच करके भी जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बोला जाए, अपनी बात रखी जाए। मैं एक गजल के एक एक बहुत आपके वजूद से जुड़ी हुई गजल के जिन शेर आपको सुना रहा हूं। आज तारीख हैरान कहां चूक हुई। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वक्त में हमें पलट करके अपने गिरेबान में भी झांकना है। मेरी नई नसलों के कुछ तो हुआ, कुछ तो गलतियां रही, कुछ तो चूक हुई,
मैं इस रदीफ से एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, एक मतला और दो तीन शेर। इधर जो लोग बैठे हैं एक बार सब शिरकत करें, मुझे ताली बजा करके हुक्म दें। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूँ क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, पहुंचना है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक आध फरमाइश है वो पूरी कर दूं और एक ये गजल के दो तीन शेर आपको सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आज सिर्फ हंगामे वाली शायरी पे दाद देते हैं, अच्छी शायरी पे आप दाद नहीं देते। मैं चाहता हूं कि इस पे भी आप दाद देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हल्की फुल्की शायरी या फिर यूं कहूंगी गजल की शायरी भी आपको सुनाऊं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। जिन साथियों को जाना है वो आहिस्ता से गुजर जाए ताकि मुशायरा चलता रहे, सुकून से निकल जाने दीजिए। देखिए जिन्हें जाना है वक्त बेवक्त, जब अल्लाह का बुलावा आ जाता है तो आदमी चला ही जाता है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो जो जा रहे हैं उन्हें ताली बजा करके विदा कर दीजिए कि वो चले जाएं और इशारा चलता रहे। अरे एक शेर इसमें हुआ है और अगर लगे कि सही बात कह दी गई है सलीके से तो मुझे दुआ देना। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। कि जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी नई नस्लों से पिछले 10 साल से 15 साल से मुशायरों में, हम ही नहीं हम जैसे तमाम कलमकार जो पैगाम दे रहे हैं आपके बीच में, अगर मैं इस एक शेर में ढल गया हो तो मुझे सुन के बताइएगा। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। रह गया किस लिए पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। शेर को ऐसे कमजोर तालियों से सुनेंगे तो सही नहीं रहेगा। मैं शेर को फिर से पढ़ता हूं और यहां जो दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहां जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे उनकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। आखिर में वो नज़्म सुनाता हूं जिसकी फरमाइश आपने की। मैं लाल पिला हूं। थक गए हैं क्या आप लोग? नहीं थके ना? ये बाराबंकी के लोग हैं, मैंने सुना है देर तक थकते नहीं है। चाहे जितनी मेहनत कराई है, चाहे जितना
दौड़ाइए, चाहे जितना खेल कूद करवाइए, ये थकने वाले लोग नहीं। तो मुझे लगना चाहिए कि न तो आप पे ठंड का असर है, ना आप थके हैं। मुझे ताली बजाइए, दाद दीजिए, दुआएं दीजिए, मैं आखिरी में इसमें सुना करके विदा लूंगा आपसे। आरिफ साहब एक बार फिर से, और मुश्ताक साहब, सैम साहब और फैसल मतीन साहब, इन तमाम साथियों को, मोहसिन मतीन साहब, इन तमाम साथियों को दुआएं दूंगा। मेरे दोस्त यहाँ पे सैफ साहब बैठे हैं, बाल साहब बैठे हैं, शमीम साहब बैठे हैं, आकिब बैठा हुआ है भाई, तमाम जो बाकी साथी हैं, सबको, जिन साथियों के नाम याद नहीं रह गए उनसे माफी चाहूंगा, लेकिन सारे ही साथी हैं, सारे ही दोस्त हैं। और मेरी बुनियाद में हाँ अहमद साहब बैठे हैं, सेहतमंद साथी हमारे, माशाल्लाह वजनदार आदमी है, इनको देखो तो ऐसा लगता है कि 10-20 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, इतने सेहतमंद आदमी है। तो तमाम उन साथियों की भी दुआएं शामिल हो। ऐश मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर अगली साइड सफों में जो लोग, मुझे याद है मैं पहली बार जैदपुर यहाँ किसी मुशायरे में आया था 5-6 साल पहले, 2014 में आया था, 2014 में आया था, 10 साल गुजर गए, तो फिर हाजिरी हुई है, तो आप सबकी दुआएं मिले। बिस्वा भी आया था, बिस्वा भी आसपास ही है शायद, तो महमूदाबाद भी आया था। ये वो इलाके हैं जिन्होंने दुआएं देके बड़ा बनाया है, तो ये इलाकों का बड़ा एहसान है, ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, ये कभी अदा नहीं किया जा सकता। बस कोशिश करूंगा कि इसे वक्त वक्त पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपकी आवाज बनकर के बोल करके थोड़ा थोड़ा उतारता रहूं, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक नज्म सुनाता हूं, जिस नज्म का उन्वान है लाल किला जी। इन दिनों दिल्ली रहता हूं, तो कभी पार्लियामेंट से फुर्सत मिलने के बाद दिल्ली और उसके आसपास निकलता हूं गाड़ी लेकर के, तो देखता हूं तो ऐसा लगता है वो जो पुरानी इमारतें हैं वो कुछ कहना चाहती हैं, वो कहना चाहती हो कि मेरा वजूद है। प्रोपेगेंडा चाहे जितना खड़ा किया जाए, नैरेटिव चाहे जो बनाया जाए, लेकिन हम मौजूद हैं। मैं लाल किले के करीब से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने उसे नज्म बनाया और मैं आपके सामने रखता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इधर जो साथी बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं लाल किला हूँ। इस मेले में सबसे पहली बात तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी शुक्रिया कहूंगा, इस मुझे कमेटी के मुंतजमीन ने बताया कि एक बड़ा तारीखी मेला है ये उर्स का, और यहाँ आसपास से तमाम जायरीन भी आते हैं, तमाम अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं, बड़ी गंगा जमुनी तहजीब का ये इलाका है बिलहरा। तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि इस पूरे मेले को अच्छे से संपन्न कराने के लिए एक बार प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से मदद करते हैं, तब जाकर के कोई इस तरह का फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल बन पाता है। मैं पढ़ता हूँ सुनेगा। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का,
में कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं लाल किला हूँ वो जगह वो है जहां से वक्त का हर प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के 15 अगस्त को मुल्क के नाम खिताब करता है, तब लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है अगर उस तक पहुंचिएगा तो अपनी तालियों का शोर दिल्ली तक पहुंचाइएगा, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। यहां से वहां तक अगला मिसरा पुकारता है आपको, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और बहुत शुक्रिया इस मुशायरे को शानदार बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी मौजूदगी को सलाम। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। क्या कहना, अच्छा लगता है कि जब आप एक मिसरा पढ़ते हैं और सामने बैठी हुई नई नस्लें जो कभी फिल्मी गाने गुनगुनाया करती थी वो आपके उस मिसरे को आपसे पहले गुनगुना देती है, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। नदीम भाई इस बात के गवाह हैं, जब मुशायरों में शुरुआती दिन थे तो ये कहा जाता था कि इमरान साहब जो शायरी करते हो उसमें शायरी नहीं है, मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। तब मैं उनसे कहता था कि मुझको मीजान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीजान अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलू तो मेरे साथ में बोला करिए, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, मुझको फुर्सत नहीं के मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है वो छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी मूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता, के बेशर्म सियासत की मैं तहरी नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगले जो दो मिसरे हैं इस पर अगर कोई चुप रहा तो मुझे उससे शिकायत होगी, क्योंकि जो मैं अगले दो मिसरे पढ़ने चल रहा हूं मैं जानता हूं कि आपकी धड़कनों की तर्जमानी है, आपके दिल की बात है। मैं पढ़ता हूं, मुझे दुआ देकर के मेरा दामन दुआओं से भर करके विदा करना, ये जो दो मिसरे हैं ये आपको पुकारते हैं, ये नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, तैयार रहना,
अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो हार की छाती पे खिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। और जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।